दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों अभी जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, स्पेशली जो आसाम स्टेट के कैंडिडेट हैं उन लोग के लिए है। और यहाँ पे दोस्तों आसाम टी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जॉब सब निकला है। जो पोस्ट निकला है असिस्टेंट फंड कंट्रोल ऑफिसर, जिसमें 13 पोस्ट है, और जूनियर असिस्टेंट में 20 पोस्ट आपको रखा गया है। असिस्टेंट फंड कंट्रोलर ऑफिसर में आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क बोला है, और जूनियर असिस्टेंट में आपका ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आपका कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, प्लस आपको आसामीस लैंग्वेज आना चाहिए। असिस्टेंट फंड कंट्रोल में जो पे स्केल है पेमेंट 3 में है, ये 22,000 से 87,000, ग्रेड पे है 9,700 रुपया। और जूनियर असिस्टेंट भी पेमेंट 2 में है, यहाँ पे 14,000 से 49,000 सैलरी है, ग्रेड पे 6,200 रुपया है, प्लस यहाँ पे अदर एलोवेंस भी है। और यहाँ पे दोस्तों एज का अगर बात करते हैं तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मैक्सिमम है 38 ईयर्स। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए जो 3 साल का यहाँ पे आपको रिलेक्शन भी मिल जा रहा है। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 150 मार्क का, जो आपका असिस्टेंट फंड कंट्रोलर ऑफिसर में स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, और इसके बाद इंटरव्यू होगा। जूनियर असिस्टेंट में आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि मल्टीपल का 100 क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टाइप में 50 क्वेश्चन, 150 मार्क का यहाँ पे होगा। सेकंड है कंप्यूटर टेस्ट, यहाँ पे आपको हो रहा है। और यहाँ इसको अप्लाई करने से पहले दोस्तों आप एक बार चेक कीजिएगा कि आपका नाम आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो स्टेट ऑफ आसाम में रजिस्टर किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो आपको पहले वो करना पड़ेगा, और उसको आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पर फिलअप कर के देना है। और जो आपका यहाँ पे बोल गया है कि 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3 सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्ट ऑफ एज, जो 10th का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ये सब आपको अटैच करके यहाँ पे आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना है 200 रुपीज़ का। SC ST कैंडिडेट जो कैटेगरी में आते हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी में कैंडिडेट आते हैं, यहाँ पर बोला है 300 का, और 200 रुपया है जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, जो पहला पोस्ट है असिस्टेंट कंट्रोलर का। और सेकंड में जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट में, नॉर्मल कैटेगरी के लिए 200 और SC ST कैटेगरी में 100 रुपीज़ आपको देना है। सेल्फ अटेस्टेड एम्बलम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपको रेडी करके यहाँ पे एड्रेस दे दिया है, वो एड्रेस में आपको भेजना है। लास्ट डे है इसका अप्लाई का 30 अप्रैल 2019। तो डॉक्यूमेंटेशन सब यही है, बाकी जो भी डिटेल है आप, मैं इसका लिंक जो है वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आप आसाम से बिलोंग करते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों और एक तो रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिए, ताकि आपके कोई दोस्त है उनको अगर रिक्वायरमेंट है तो नोटिफिकेशन मिलेगा। और जितना भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आ रहा है मैं इमीडिएट बेसिस में अपडेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको दोस्तों करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।